हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड उसकी कुछ एफिशिएंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। मैंने यहाँ पे पंप का डायग्राम ड्रॉ किया है, तो आप सबने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पंप्स देखे होंगे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पंप्स का काम क्या होता है, पंप्स हम क्यों यूज़ करते हैं? पंप्स हम यूज़ करते हैं नीचे डाउन से, जो अपना अंडर वाटर टैंक है उसे ओवरहेड वाटर टैंक में पानी सप्लाई करने के लिए। तो पंप का बेसिकली काम क्या होता है, पंप क्या करता है, नीचे से पानी खींचता है और ऊपर सप्लाई करता है ऊपर अपने टैंक में, और वो फिर वहां से हमें अपने पाइपलाइन के थ्रू अपने घर के अंदर आता है। तो इसका नॉर्मल वर्किंग का क्या प्रिंसिपल है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि हम मोटर चालू करते हैं, मोटर चालू करने से वहां पर हमें सक्शन क्रिएट करता है वो मोटर हमारे सक्शन पाइप में, और फिर वो पाइप से पानी ऊपर हमें भेजता है अपने ओवर टैंक में। एंड ओवर टैंक में जब आपका पानी रखा है, सपोज कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग है और उसमें ऊपर टैंक में पानी भरा हुआ है, तो जस्ट हमें उसके पोटेंशियल एनर्जी से वो पानी हमें अपने टैप के थ्रू अपने घरों में मिल जाता है। तो हमें कुछ एक्सटर्नल मोटर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ताकि वो हमारे यहाँ पर प्रेशर से आए। तो पानी कैसा है, वहाँ पर कुछ हाइट पर है तो उसमें आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो पानी हमारे घरों में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में ये कुछ पार्ट्स है जो कि उसके सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, फिर केसिंग, इंपेलर एंड ये फुटवॉल एंड स्टेनर। तो यहां पर HS, HD एंड H, ये तीन टर्म्स लिखे हैं, जहां पर HS होता है सक्शन हेड, मतलब कितने डिस्टेंस तक वो सक्शन कर रहा है। सपोज ये आपका बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के नीचे आपका अंडर वाटर टैंक है, तो वहां से आप ऊपर खींच रहे हो, तो उतना जो डिस्टेंस है सक्शन पाइप का वो होगा आपका सक्शन हेड। फिर आपको 10 माले की बिल्डिंग पे पानी चढ़ाना है, तो वो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डिलीवरी हेड। तो डिलीवरी हेड को हमने HD से डिनोट किया है और सक्शन हेड को हमने HS से, एंड इन दोनों का टोटल एडिशन विल बी योर टोटल हेड, जिसे हमने डिनोट किया कैपिटल H से। अब यहां पर इस पंप की केसिंग होगी, ऑब्वियसली वो पंप कुछ केसिंग में रहेगा, नहीं तो फिर कुछ अगर आ गया तो फट जाएगा या फिर वो जो मोटर है वो खराब हो जाएगा, तो केसिंग में होता है। और पानी भी जब वो खींच रहा है तो केसिंग के थ्रू ही होके ऊपर जाता है ताकि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। फिर उसके बाद है इंपेलर। इंपेलर क्या होता है, इंपेलर पर हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं ताकि जब वो पानी खींचता है उस ब्लेड पर स्ट्राइक होगा और फिर बाद में ऊपर जाएगा। तो उसके बाद फिर सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, ये हमें समझ गया। अब यहां पर नीचे सक्शन पाइप के नीचे एक ये लिखा है कि फुट वॉल्व एंड स्टेनर, ये एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद आपका पंप ठीक से काम नहीं करेगा। तो फुट वॉल्व एंड स्टेनर, स्टेनर क्यों यूज करते हैं, स्टेनर मतलब आपके उस पाइप के नीचे एक लगा देते हैं कपड़े टाइप, या फिर मतलब फुटबॉल होता है, फुटबॉल बोलते हैं उसे, जो कि आप नॉर्मली बोलते हैं फुटबॉल, उस पाइप का फुटबॉल नहीं काम कर रहा। वो क्यों यूज होता है, क्योंकि जब वहां पे फुटबॉल होता है तो वो क्या करता है, जब हमने पानी ऊपर खींचा है तो ये जो डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस में सक्शन पाइप में वो पानी हमेशा अवेलेबल रखता है। वो फुटबॉल इस पानी को, मतलब जब आपने मोटर बंद कर दी तो अगर वाटर लेवल यहां पर है तो इतने डिस्टेंस का पानी वापस नीचे आ जाता है। अगर ये फुटबॉल ना हो तो पानी नीचे आ जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि फिर जब आप नेक्स्ट टाइम मोटर ऑन करोगे तो आपको वहां पर एयर आ जाता है इतने पोर्शन में, और उसकी वजह से फिर वो सक्शन क्रिएट नहीं कर पाता और आपका पानी फिर ऊपर नहीं लेता। तो आपने देखा होगा कि जब हम कभी यूज करते हैं मोटर, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको मोटर में पानी भरना पड़ता है, आप ऊपर से पानी भरते हैं फिर वो बाद में फिर पानी खींचता है और फिर पानी बाहर छोड़ता है, तो वो क्या है, वो काम करता है अपना फुटवॉल्व। फुटवॉल्व हमें यहां पर एक जो हम ये कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, उसे बोलते हैं प्राइमिंग, प्राइमिंग ऑफ द पंप्स। प्राइमिंग हमें जरूरत पड़ती है कब, जब हमारा फुटवॉल्व काम नहीं कर रहा हो। तो प्राइम मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उस मोटर में पानी डाल रहे हैं, उस पंप में पानी डाल रहे हैं ताकि वो ये वाला डिस्टेंस फिलअप हो जाए, फिर बाद में उसको यहां से ऊपर खींचने के लिए सक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये फुटवॉल्व का काम क्या होता है कि इतने डिस्टेंस में जो वाटर है वो एज इट इज रखे। ये वन वे वॉल्व होता है ताकि पानी जस्ट ऊपर जाता है, वापस इस पाइप से नीचे नहीं आता उस फुटवॉल्व की वजह से। और स्टेनर क्या होता है, स्टेनर वहां से जो कचरा होता है अंदर का वो ऊपर यहां पर ना जाए, उसके लिए वो स्टेनर लगाया जाता है, मतलब एक फिल्टर टाइप होता है। तो आपको समझ गया अगर फुटवॉल्व का काम क्या है, फुटवॉल्व अगर ना हो तो आपको उस पंप को प्राइमिंग करना पड़ेगा। प्राइमिंग ऑफ द पंप एक टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा बेसिक वर्किंग ऑफ आपका पंप्स। तो यहां पर अब देखते हैं कि यहां पर हमें कुछ फॉर्मूले आज कवर करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है कि वर्कडन, कि वर्कडन क्या होगा। इन केस ऑफ पंप्स आपका वर्कडन होता है हेड जनरेटेड, मतलब आपको क्या करना है, यहां से ग्राउंड लेवल से पानी उठा के ऊपर आपके 10th फ्लोर पे ले जाना है। तो वर्कडन आप यहां पर कैलकुलेट करते हो इन टर्म्स ऑफ हेड, कि कितने मीटर्स तक आपने ऊपर लेकर गए हो। तो यहां पर जो वर्कडन होता है, इट इज सिमिलर टू टर्बाइन्स, जो हमने टर्बाइन्स में वर्कडन पढ़ा है वही होता है यहां पर भी। बट क्या होता है कि टर्बाइन्स का जो वर्कडन होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ पंप्स,
क्योंकि पंप में सक्शन क्रिएट हो रहा है और सक्शन इज नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो मतलब टर्बाइन का जो एनर्जी है, जो वर्कडन है, वो नेगेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ आपका पंप। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, वर्कडन बाय द पंप इज नेगेटिव वर्कडन ऑफ टर्बाइन। तो हमें टर्बाइन का वर्कडन पता है, टर्बाइन के हमने फॉर्मुले पहले पढ़े हैं पिछले दो यूनिट्स में। तो यहां पर क्या है आपका वर्कडन क्या होगा, इट विल बी रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है, मैं यहां पर लिखना भूल गया था, वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू। ओके, ये आपका वर्कडन बाय द टर्बाइन। अब इसका नेगेटिव वर्कडन होगा आपका वर्कडन बाय द पंप। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं। यहां पर इन केस ऑफ पंप्स वेलोसिटी ट्रायंगल्स सेम होते हैं अपने रिएक्शन टर्बाइन के, क्योंकि यहां पर जो इनलेट ट्रायंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक पंप यहां पर रखा है और यहां से पाइप जो है वो स्ट्रेट है नीचे, जो नीचे का पानी खींच रहा है। तो इस पंप पर जब वो पानी आता है तो वर्टिकली अपवर्ड आता है और रेडियली वो रेडियली अंदर जा रहा है। तो जब भी आपका रेडियली अपवर्ड जाता है पानी, मतलब जब आपका इनलेट ट्रायंगल रेडियल होता है या इनलेट ट्रायंगल आपका 90 डिग्रीज का होता है, तो उस केस में आपका VW1 जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड वेलोसिटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको पंप में जा रहा है पानी। ठीक है, डायरेक्टली आपको ब्लेड पे हिट कर रहा है और जो आउटलेट ट्रायंगल है वो आपका बनेगा एज यूजुअल। बस यहां पर पंप के केस में हमेशा इनलेट ट्रायंगल विल बी ऑफ 90 डिग्रीज, तो आपका अल्फा हो जाएगा जीरो एंड फिर आपका VW1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो उससे क्या होगा, VW1 जीरो हो गया तो आपका ये जो टर्म है इस फॉर्मूले में ये पूरा हो गया जीरो। तो आपका वर्क डन बाय द पंप विल बी रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू। यहां पर ये नेगेटिव साइन था, इसके साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है और ये आता है आपका वर्क डन बाय द पंप। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला। तो आपको ये समझ गया होगा हमने ये कैसे निकाला है। फिर नेक्स्ट है, यहां पर कुछ एफिशिएंसीज होती है, कुछ टर्म्स है एफिशिएंसीज जो हमें पता होनी चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है, ताकि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले रटे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, बट अगर आपको समझा है तो आप उसे रटोगे नहीं और वो इजीली आप कर पाओगे। तो यहां पर वर्किंग हो कैसे रहा है, हम सबसे पहले अपना मोटर ऑन करते हैं। मोटर ऑन करने से वो शाफ्ट घूमता है, वो शाफ्ट घूमने के बाद फिर आपका इंपेलर घुमा और वहां से फिर आपका क्या है, इंपेलर घूम रहा है, फिर सक्शन क्रिएट हो रहा है और बाद में फिर आपका आउटपुट दे रहा है। तो यहां पर प्रोसेस कैसे होता है, पहले शाफ्ट पावर आता है, मतलब आपने मोटर ऑन किया तो शाफ्ट घूमा तो वो मिला शाफ्ट को पावर, उसके घूमने की वजह से फिर सक्शन क्रिएट हुआ और सक्शन की वजह से फिर आपका उस ब्लेड पे वाटर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो वो क्रिएट होता है इंपेलर पावर और फिर इंपेलर पावर क्या कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है। वहां से इंपेलर के बाद वो क्या कर रहा है, डिलीवरी दे रहा है आपको, दसवें माले पे पानी पहुंचा रहा है, तो वो आपका हुआ वाटर पावर। तो यहां पर क्या है, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर जब आपका शाफ्ट से शाफ्ट और इंपेलर पावर के बीच में वर्कडन होता है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्कडन, तो वो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, फिर इंपेलर पावर से वाटर पावर, इट इज योर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, ये होती है आपकी ईटा मैनोमेट्रिक मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। एंड शाफ्ट पावर से वाटर पावर तक का टोटल एफिशिएंसी विल बी योर ओवरऑल एफिशिएंसी, इट इज ओवरऑल एफिशिएंसी। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट, तो आपका यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालोगे तो आपका यहां पर क्या आएगा, इट विल बी इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर, इट विल बी इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर, क्योंकि ये आउटपुट है और ये इनपुट है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए वाटर पावर बाय इंपेलर पावर, सॉरी मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी वाटर पावर बाय इंपेलर पावर एंड ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ, इट विल बी ईटा मैकेनिक मैनोमेट्रिक इंटू ईटा ऑफ मैकेनिकल। तो इस तरह से हम निकालते हैं अपनी सारी एफिशिएंसीज। इसके डिटेल फॉर्मुलेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका वेलोसिटी ट्रायंगल भी सीखेंगे और इसमें और कौन कौन से फॉर्मुले यूज होने वाले हैं वो भी सीखेंगे। तो आपको समझ गया होगा कि इसका वर्किंग कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।